हेलो दोस्तों, मेरा नाम सिराज और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सिराज डी के ब्लॉग। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे अपना झंझारपुर से स्टार्ट करेंगे बात और अपना जो है निर्मली से लेके भपटियाई सरायगढ़ तक का अपडेट्स बताने वाला हूँ। क्योंकि दोस्तों, फिलहाल में बहुत सारा चैनल पर बताया जा रहा है कि आज सीआरएस होने वाला है, कल सीआरएस होने वाला है, तो अभी चालू होने वाला है, तब चालू होने वाला ट्रेन। तो दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए नहीं ऐसा कुछ भी है, निर्मली जो स्टेशन है वहाँ पर भी अभी बहुत काम बाकी है और कब चालू होने वाला है, वहाँ पर फाइनली सीआरएस कब किया जाएगा, वो सारा डिटेल्स मैं आप लोगों को देता रहूँगा। और अभी जो है फिलहाल झंझारपुर से लेकर दरभंगा तक का जो रूट है वो आप लोग को भी मालूम होगा कि वो फाइनली तैयार हो चुका है और वहाँ पर गाड़ी आना जाना भी स्टार्ट है। तो दोस्तों, दरभंगा से ले अपना झंझारपुर से लेकर एक लाइन जो है आपकी तरफ जाती है और दूसरा लाइन जो अपना लोखा खुटौना के तरफ जाती है। तो लोखा खुटौना वाला लाइन में जो है दोस्तों कुछ भी काम नहीं किया गया। मैं इसी बीच में एक बार गया था लोखा स्टेशन पर, तो वहाँ का ब्लॉग मैं आप लोग को नहीं दिखा पाया, उस टाइम मेरे पास उतना टाइम नहीं था और मैं कुछ ज़्यादा इमरजेंसी काम में था, इसलिए नहीं दिखा पाया। लेकिन वहाँ का जो स्टेशन है कुछ भी काम नहीं किया गया, जैसा ही था वैसा ही अभी भी पड़ा हुआ, ना वहाँ पर जो रेलवे का जो बांध है उसका भी काम नहीं किया गया। तो काफ़ी सारा वहाँ पर काम अभी बाकी है उस रूट में, लेकिन झंझारपुर से लेकर निर्मली तक का जो बीच का रूट है वहाँ पर काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। और वहाँ पर अभी उस रूट का जो झंझारपुर से लेकर निर्मली तक का बीच में जो जितना भी सारा स्टेशन है वो स्टेशन को बनने में अभी काफ़ी समय लग सकता है। क्योंकि मैं गया था अपना घुघरिया का भी अपडेट इसी कुछ दिन पहले मैं आप लोगों को दिखाया था इस चैनल पर, तो वहाँ पर काफ़ी सारा काम। तो अगर निर्मली से लेकर भपटियाई सरायगढ़ के बीच बहुत जल्दी ट्रेन स्टार्ट हो जाएगा आना जाना, जब दोस्तों वहाँ से निर्मली से ट्रेन स्टार्ट हो जाएगा तो आप लोगों को राघोपुर भपटियाई सरायगढ़ होते हुए राघोपुर एंड सुपौल सहरसा बहुत ही इजी हो जाएगा जाने जाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही, बने रहिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, इसी तरह का अपडेट मैं आप लोगों को इस चैनल पर देता हूँ।